बहुजन इंडिया, 24 न्यूज, बहुजन प्रेरणा, हिंदी दैनिक समाचार पत्र। प्रेम प्रसंग में गई युवक की जान, प्रेमिका के घर लटकता मिला युवक का शव। बरवर खीरी। बरवर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव पैकपुर में मिला लटकता हुआ प्रेमी का शव। प्रेमिका के घर गांव में फैली सनसनी। चौकी क्षेत्र के गांव पैकीपुर में प्रेम प्रसंग का मामला आया प्रकाश में। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि प्रेमी अमित कुमार 20 वर्ष अपनी प्रेमिका के घर सब संदिग्ध हालत में गांव के उत्तर रामू के घर कमरे के कुंडे में लटकता पाया गया। इस घटना की सूचना प्रेमिका ने अपने प्रेमी के घर वालों को जाकर दी। उसके बाद मृतक के परिवार वालों ने चौकी पुलिस बरवर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सीओ राजेश कुमार, इंस्पेक्टर अंबर सिंह, बरवर चौकी प्रभारी अजीत कुमार सिंह ने शव को उतरवाया। वहीं मृतक की बहन शिल्पी ने बताया कि मेरा भाई अमित दोपहर में खाना खाकर घर से निकला था, जिसके कुछ ही देर बाद गांव के ही रामू पुत्र मिश्रीलाल इरकवंशी की लड़की ने बताया कि तुम्हारे भाई मेरे घर लटका है। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक के भाई राजकुमार का कहना है मार कर लटकाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया। क्राइम रिपोर्टर एजाज अहमद। बालगुन क्या घटना हुई है, किस बारे में बताइए? आ रहे थे, इन्हें पकड़ के खींच के ले जाके अंदर लटका दिया। ये गांव कौन सा है? पैकीपुर। किसने लटकाया है? ये रामू नाम का है। कहाँ के है रामू? यही के पैकीपुर के। अच्छा, आपने देखा लटकाया उन्होंने? नहीं देखा, नहीं। यहाँ से पकड़ के खींच के ले गए और दूसरे लोगों ने देखा। कौन सी लड़की? रामू की लड़की से क्या मतलब है? प्रेम प्रसंग था क्या? हाँ। नहीं, ऐसे ही एक बार बातचीत हो गई थी। और लड़के लड़की है, ये धंधेबाज, ये लड़की धंधेबाज है। और पकड़ यहाँ से कोई सा लड़का हो जो पैसे वाला, उसे पकड़ पकड़ के ये अपने यहाँ से धंधे करवाते हैं। और दारू बहुत बेचते हैं। अच्छा, दारू बेचते हैं? दारू भी बेचते हैं।